हेलो फ्रेंड्स, मैं मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक क्लास 10 सीबीएसई 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन होगा जो मैंने एपी से लिया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। मतलब हमारे पास टोटल ₹700 है, हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 आदमियों में उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ये जो प्राइस होगा, हम फर्स्ट वाले को जितना प्राइस देंगे और सेकंड वाले को जितना प्राइस देंगे, दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जो सबसे ज्यादा, मतलब अव्वल दर्जे का काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर पर जो होगा, हमें उससे सबसे ज्यादा पैसे देने हैं, उसके नीचे वाले को उससे 20 कम, और थर्ड वाले को सेकंड वाले से 20 कम, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से 20 कम। ऐसे करके हमें 7 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइस, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि प्रत्येक लोग को कितना प्राइस मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर देंगे कि जो फर्स्ट प्लेस पर होगा बच्चा, उसे कितना प्राइस देना होगा, ठीक है। So, हम लेट कर लेते हैं प्राइस फॉर फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस के लिए मान लीजिए ₹X होगा, ठीक है। सो प्राइस फॉर सेकंड प्लेस ₹X-20 होगा। ऐसे ही प्राइस फॉर थर्ड प्लेस इज इक्वल टू ₹X-40 होगा। अब ये X-40 कैसे आया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड और थर्ड के बीच में 20 का डिफरेंस होना है, तो X-20 लिखते, इसीलिए X-40 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये आप देखेंगे तो एक एपी बना रहा है। देखिए X, फर्स्ट टर्म X होगा, सेकंड टर्म X-20, थर्ड टर्म X-40, और ऐसे टर्म चलते जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा एक्स है, फर्स्ट टर्म हमारा x है, जबकि कॉमन डिफरेंस हमारा -20 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -20 कैसे होगा? x-20 में से यदि हम x को माइनस करते हैं, सो -20 बचता है, इसीलिए हमारा कॉमन डिफरेंस -20 होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें सम दे रखा था 700। अब 700 को हमको 7 कैश प्राइस में बांटना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 (2a) प्लस n-1 (d), ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, सम ऑफ n टर्म्स की जगह हम 700 यूज करेंगे, हम यहां पर 700 यूज करते हैं, n की जगह हम 7 यूज करेंगे, ठीक है, अपॉन 2a, a की जगह हम x यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा x होगा, प्लस n-1, सो 7-1 (d). डी हम यहां पर यूज करेंगे -20, ठीक है। सो -20। अब देखिए, यहां पर 700, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 700 इंटू 2 1400, यहां पर आएगा 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस, देखिए 6, 7-1 6 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम -20 की, सो 20-20 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -120, ठीक है। सो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे -120, ठीक है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 की 2x से और 120 से, सो आंसर आएगा हमारा 1400 इज इक्वल टू 14x -840, ठीक है। अब देखिए, 1400 इज इक्वल टू 14x -840, इस -840 को हम उस साइड ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। देखिए 14x इज इक्वल टू 1400 प्लस 840 आ गया, ठीक है, क्योंकि हम इस -840 को उस साइड ले गए, सो प्लस में हो गया। सो 14x इज इक्वल टू 2240 आ गया, ठीक है। देखिए 2240 आ गया। अब x हम डिवाइड करेंगे 2240/14, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, सो 2 1 2 0,
यहां पर आ गया 2 7 40, ठीक है। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से हम डिवाइड करेंगे, सो 7 7 7, यहां पर कैरी आएगा 4, सो 7 6 40 160, एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 160, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 160 फर्स्ट प्राइस को मिलेगा, फर्स्ट प्राइस को मिलेगा 160, सेकंड प्राइस को मिलेगा 140, थर्ड को मिलेगा 160 माइनस 40, सो 120। ऐसे करके हम देख लेते हैं, देखिए एपी हमारा बनेगा 160, देन 160 में से 20 जाएगा, सो 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60, 1 2 3 4 5 6, और एंड होगा हमारा 40 से, ठीक है। तो ये 7 प्राइस मिलेंगे बच्चों को, तो फर्स्ट प्राइस 160 का होगा और लास्ट प्राइस 40 का होगा। ऐसे हमारे प्राइस हो गए टोटल। एक बार दोबारा रिवाइंड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें कहा था कि 700 के प्राइस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 प्राइस में, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अल्टरनेट टर्म्स जो होंगे उनमें 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए। इससे हमें कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कि 20 हो, मतलब कॉमन डिफरेंस हमें निकाल लेना है, और ये एपी का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हमें पता चल जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि लेट कर लिया कि फर्स्ट प्राइस वाले को एक्स रुपीस मिलेगा, सो सेकंड वाले को -20 कर दिया, थर्ड वाले को दोबारा -20 कर दिया। इससे हमें फर्स्ट टर्म ने लेट कर लिया एक्स होगा, और जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो -20 आ गया। फिर हमने सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जिससे हमें वैल्यू पता चल गई कि फर्स्ट जो पर्सन होगा उसको 160 मिलेगा। ऐसे ही हम माइनस करते गए, जिससे एंड में हमारे ये सारे प्राइस आ गए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।